गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में अध्ययन करेंगे। आइसोमेरिज्म हम पहले ही भी दो वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बताया कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में दो टाइप की आइसोमेरिज्म मेनली होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर्स को हम अगेन दो क्लासेज में डिवाइड कर सकते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। टुडे वी विल डिस्कस द जियोमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेज इन दिस वीडियो। हम डिस्कस कर चुके हैं कि मेनली तीन टाइप्स के कॉन्फिग्रेशंस या स्ट्रक्चर्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेज में होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो ये दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, और यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर यहाँ पर बनती है। हम यह प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज जियोमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करते, तो हमें यहाँ पर ओनली फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में जियोमेट्रिकल आइसोमर्स की स्टडी करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज में हमने इनको क्लासीफाई किया है दो भागों में, फर्स्ट विच डू नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, अर्थात वे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज जो कि जियोमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल Me4 एन प्लस माइनस इस आयन पे चार्ज है, Me3b, Me3b, अर्थात यदि चारों लिगेंड सेम हों या और तीन लिगेंड सेम हों, चौथा लिगेंड डिफरेंट हो, तो इस प्रकार की जो कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज हैं वो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करते। यहाँ पर ए और बी मोनोडेंटेट लिगेंड को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, यदि कोई मेटल सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड से जुड़ा हुआ है, ए यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, अर्थात ऐसा लिगेंड जिसके दोनों डोनर एटम सेम हैं। यदि कोई मेटल एटम दो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड से जुड़ा हुआ हो तो वह भी जियोमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा। तो विच कंपाउंड्स शो द जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आर हेयर, Me2b2 टाइप आयन्स, एन प्लस माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पर कुछ भी चार्ज हो सकता है पॉजिटिव या निगेटिव, Me2bc एंड MaBcd, ए एंड बी एंड सी एंड डी आर हेयर मोनोडेंटेट लिगेंड्स। अगेन अगर कोई मेटल अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड से जुड़ा हुआ है, अर्थात उसमें दो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो वह भी जियोमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। इन सभी एग्जांपल्स को हम एक एक लेकर विद एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द कंपाउंड्स ऑफ द टाइप Me2b2 टाइप, अर्थात जिसमें दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स मोनोडेंटेट लिगेंड हैं। एक टाइप के लिगेंड दो हैं और दूसरे टाइप के लिगेंड भी दो हैं, टोटल चार मोनोडेंटेट लिगेंड यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो ये डिफरेंट आइसोमर्स इसके बन सकते हैं। हमने ये डिस्कस कर चुके हैं कि यदि दो सिमेट्रिकल लिगेंड एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे हों, जैसे कि फर्स्ट पोजीशन में हम देखते हैं बी और बी एक दूसरे के पास हैं, ए एंड ई एक दूसरे के पास हैं, यदि कोई भी दो सिमेट्रिकल लिगेंड्स एडजेसेंट पोजीशन पे हों, या हम कह सकते हैं वे 90 डिग्री के एंगल पे स्थित हों, तो इस प्रकार के आइसोमर को हम कहते हैं सिस आइसोमर। तो ऑल दीज आर स्ट्रक्चर्स फॉर द सिस आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड। यदि दो सिमेट्रिकल लिगेंड एक दूसरे से 180 एंगल पे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो सिमेट्रिकल लिगेंड बी बी हैं और मेटल के साथ ही 180 का एंगल बना रहे हैं, इसी तरह से दूसरे सिमेट्रिकल लिगेंड ए ए ये भी मेटल के साथ 180 का बॉन्ड एंगल बना रहे हैं। यदि दो सिमेट्रिकल लिगेंड किसी मेटल के साथ 180 डिग्री के बॉन्ड एंगल से जुड़े हुए होते हैं, तो उसको हम ट्रांस आइसोमर कहते हैं। तो Me2b2 टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेज होते हैं स्क्वायर प्लेनर, ये दो आइसोमर्स देते हैं सिस एंड ट्रांस। दीज ऑल आर द सिस स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स एंड दीज आर द ट्रांस स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। वी कैन एक्सप्लेन इट विथ बाय एन एग्जांपल। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे। बेस्ट नोन एग्जांपल ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स
ऑफ एम ई टू बी टू स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स इज दिस। इसको हम कहते हैं डाई एमिनो डाई क्लोरो प्लेटिनम सेकेंड। इसकी दो आइसोमर्स हम देख सकते हैं, जब दोनों सिमेट्रिकल आइसोमर एक दूसरे के पास हों, एडजेसेंट पोजीशन पे हों, तो इस आइसोमर को हम सिस आइसोमर कहते हैं। यहाँ पर सिमेट्रिकल आइसोमर्स एक दूसरे से डायगोनली अरेंज हैं, 180 डिग्री के एंगल पे हैं, तो इसको हम ट्रांस आइसोमर कहते हैं। हम जानते हैं कि सिस और ट्रांस आइसोमर्स जो होते हैं उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस होता है। तो जो सिस आइसोमर है यहाँ पे, इसको हम सिस प्लेटिन के नाम से जानते हैं और ये एंटी कैंसर ड्रग के रूप में यूज की जाती है, अर्थात इसका थेरेप्टिक यूज होता है। लेकिन इसी का जो ट्रांस आइसोमर है, इसको हम ट्रांस प्लेटिन के नाम से जानते हैं और यह कॉम्प्लेक्स कोई एंटी थेरेप्टिक यूज नहीं है इसका, और यह एक टॉक्सिक कंपाउंड है, अर्थात दोनों ही कंपाउंड में मेटल सॉरी लिगेंड एटम्स जो हैं, लिगेंड जो भी जुड़े हुए हैं, दीज आर सेम, ओनली देयर स्पेशल अरेंजमेंट इज डिफरेंट। ड्यू टू दिस देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो चेंजेस। तो हम देख सकते हैं एक यहाँ पर एंटी कैंसर ड्रग के रूप में यूज होता है, तो दूसरे का यहाँ पर टॉक्सिक नेचर हम देख सकते हैं। तो दीज आर द आइसोमर्स एग्जाम्पल ऑफ द एम ई टू बी टू टाइप कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट यदि हम देते हैं एम ए टू बी सी टाइप, अर्थात दो सिमिलर लिगेंड हैं और दो डिफरेंट लिगेंड हैं, टोटल तीन टाइप के लिगेंड हैं। बी और सी लिगेंड एक एक हैं, ए टू लिगेंड अर्थात ए टाइप के लिगेंड दो हैं, तीनों ही टाइप के जो लिगेंड हैं ये मोनोडेंटेट लिगेंड हैं। यहाँ पर भी इसके दो आइसोमर्स बनते हैं सिस एंड ट्रांस। इसको हम देख सकते हैं इसके द्वारा, इसमें हम देख रहे हैं कि दो जो सिमिलर लिगेंड हैं वो एक दूसरे के पास हैं और बी और सी इनसे डायगोनल पोजीशन पे हैं। तो सिमेट्रिकल लिगेंड पास हैं तो इसको हम एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, तो इसको हम सिस आइसोमर कहते हैं। और जब दो सिमेट्रिकल लिगेंड डायगोनली अरेंज हैं, 180 डिग्री पे अरेंज हैं, तो इसको हम ट्रांस आइसोमर कहते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स आर फाउंड विथ respect to the similar atom group such as A. A here is a neutral ligand such as NS3, pyridine, water molecule, while B and C are the anion ligands such as chloride, bromide, nitrite, etc. Example इसका हम ले सकते हैं diamine, chloro, nitro, platinum. ये एम ए टू बी सी टाइप का लिगेंड है, बी सी टाइप के कॉम्प्लेक्सेज हैं और इसके भी दो आइसोमर्स हम देख सकते हैं। थर्ड वन इज एम ए बी सी डी टाइप कॉम्प्लेक्सेज। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एम मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी सी डी चार डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड हैं, चारों ही लिगेंड डिफरेंट टाइप के हों, तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेज में हमें याद रखना है कि तीन आइसोमर्स यहाँ पर बनते हैं सिस एंड ट्रांसलेशन के आधार पे। स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेज विथ एम ए बी सी डी टाइप फॉर्मूला शो थ्री आइसोमर्स, टू सिस एंड वन ट्रांस, जिनमें से दो सिस आइसोमर होते हैं और एक ट्रांस आइसोमर होता है। द थ्री आइसोमर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग वन एटम और ग्रुप एंड द अदर एटम और ग्रुप्स इन ट्रांस टू द फिक्स्ड वन। मान लीजिए हम एम ए बी सी डी में यहाँ पर ए इक्वल टू अमोनिया, बी इक्वल टू क्लोराइड, सी इक्वल टू ब्रोमाइड, डी इक्वल टू पिरिडीन, C5H5N लेते हैं और एम मेटल प्लेटिनम लेते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चर्स में हम देख सकते हैं यदि किसी एक को हम बेस मानने, मान लीजिए एमीन लिगेंड लेते हैं, तो हम देख रहे हैं कि एमीन की सिस पोजिशन पे क्लोराइड है यहाँ पे, और इस आइसोमर में क्लोराइड एमीन की ट्रांस पोजिशन पे है। अगेन इस आइसोमर में, थर्ड नंबर के आइसोमर में एमीन और क्लोराइड सिस पोजीशन पे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कोई एक मेटल को रेफरेंस चुनते हुए हम दूसरे मेटल के आधार पे उसमें सिस एंड ट्रांस डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर द सिस आइसोमर्स एंड सेकंड इज़ द ट्रांस आइसोमर। इसी तरह से हम अमोनिया और पिरिडीन को बेस लेते हुए देखते हैं, तो अमोनिया और पिरिडीन यहाँ पर सिस पोजिशन पर हैं। अगेन सेकेंड आइसोमर में अमोनिया और पिरिडीन
सिक्स पोजीशन पे हैं, लेकिन थर्ड में अमोनिया और पिरिडीन ट्रांस पोजीशन पे हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इसके तीन आइसोमर यहाँ पे बनते हैं, और किसी एक को फिक्स करके हम तीनों आइसोमर्स का देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कंपाउंड्स ऑफ टाइप एम ई ई टू। ए ए मीन्स बाइडेंट्रिक लिगेंड, अर्थात यहाँ पर ऐसा लिगेंड लिया गया है जिसमें दो डोनर एटम हैं और दोनों डोनर एटम मेटल से जुड़े हुए हैं। तो जब बाइडेंट्रिक लिगेंड हम लेंगे तो उसमें दो लिगेंड मेटल से जुड़कर उसकी चार वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस दैट कंटेन सिमेट्रिकल बाइडेंट्रिक लिगेंड सच इज इथिलीन बिस इथिलीन डायमीन प्लेटिनम सेकेंड आयन हैव ओनली वन पॉसिबल स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि सिमेट्रिकल बाइडेंट्रेट लिगेंड ले रहे हैं, अर्थात एक लिगेंड के दोनों डोनर एटम सेम हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं प्लेटिनम से एक ये इथिलीन डायमीन मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ दूसरा इथिलीन डायमीन मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। इथिलीन डायमीन में दो नाइट्रोजन डोनर होते हैं, अर्थात चारों वैलेंसी पर ही नाइट्रोजन डोनर एटम की तरह बिहेव करता है। तो इस टाइप के आइसोमर्स जो कॉम्प्लेक्सेज होते हैं उनका एक ही आइसोमर पॉसिबल है, अर्थात उसके आइसोमर्स नहीं होते हैं, अर्थात ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, जिनमें मेटल कोई दो सिमेट्रिकल बाइडेंट्रेट लिगेंड की सहायता से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट, यदि कंपाउंड्स ऑफ द टाइप एम ए बी टू टाइप, ए बी इज ऑल्सो अगेन बाइडेंटेड लिगेंड, बट हेयर ए बी इज अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, मीन्स ए एंड बी टू डोनर एटम्स, बट दी हेयर द डोनर एटम्स आर डिफरेंट, दो डिफरेंट डोनर एटम हैं। इसमें हमें आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है। यहाँ पर दो टाइप के आइसोमर्स बनेंगे, सिस एंड ट्रांस। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं ग्लाइसिनेट बिस ग्लाइसिन प्लेटिनम। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, दिस वन इज ग्लाइसिन लिगेंड। ग्लाइसिन लिगेंड की यदि हम देखते हैं तो इसमें दो डोनर एटम होते हैं, एक नाइट्रोजन दूसरा ऑक्सीजन। यदि दो ग्लाइसिन मॉलिक्यूल प्लेटिनम के साथ जुड़े हुए हैं, यदि ग्लाइसिन का सेम डोनर एटम एडजेसेंट पोजिशन पे है, एज वी कैन सी हियर, इस एग्जाम्पल में हम क्या देख रहे हैं, ग्लाइसिन का नाइट्रोजन एंड सेकेंड ग्लाइसिन का नाइट्रोजन डोनर एटम एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, और वी कैन सी दे आर फॉर्मिंग द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। इसी तरह से ऑक्सीजन सेकेंड डोनर एटम और दूसरे ग्लाइसिन का ऑक्सीजन भी एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, तो इस आइसोमर को हम सिस आइसोमर के नाम से जानते हैं। लेकिन यदि एक ग्लाइसिन का नाइट्रोजन डोनर एटम, दूसरे ग्लाइसिन का नाइट्रोजन डोनर एटम एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल पर स्थित हों, तो इस आइसोमर को हम ट्रांस आइसोमर के नाम से जानते हैं। व्हेन द सिमिलर एटम्स ए ऑफ बोथ अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स आर नियर टू ईच अदर और एट 90 डिग्री एंगल विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल मेटल, द आइसोमर इज सिस। एंड इफ द सिमिलर एटम्स प्रेजेंट एट अपोजिट पोजिशन टू ईच अदर, द आइसोमर विल ट्रांस। तो इस तरह से यदि जो कंपाउंड जिनमें बाइडेंटेट लिगेंड है लेकिन अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, तो उसके दो आइसोमर यहाँ पे पॉसिबल हैं, सिस एंड ट्रांस। तो इस तरह से हमने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जियोमेट्रिकल आइसोमर्स की स्टडी करी, डिफरेंट क्लासेस में उनको क्लासिफाई किया। इससे या तो दो बाइडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए होंगे, या एक बाइडेंटेड लिगेंड दो मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़े होंगे, या तीन चारों ही मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़े होंगे। यदि चार मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए होते हैं तो उनमें से चारों डिफरेंट हो सकते हैं, दो सेम हो सकते हैं, दो डिफरेंट हो सकते हैं। इस तरह से अलग अलग एग्जाम्पल्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जियोमेट्रिकल आइसोमर्स को हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।